कढ़ी, ये देखिए बहुत ही अच्छे से बनी है। तो कढ़ी चावल खाने का मज़ा बहुत आता है। आज दोपहर के लंच में मैंने क्या क्या बनाया ये तो शेयर कर दिया आपके साथ। ये देखिए, ये स्पेशल कढ़ी बनाई है मैंने आज, और सुजैन भी खाने वाली है। अभी खाओगी ना? क्या है तुम्हारा फेवरेट करी? एक चम्मच ले लो। अच्छा, कैसी लगी? अच्छा। तो गाइस, बहुत ही अच्छी बनी है। मैं आपको इसका टेस्ट बताती हूँ। आज लंच में मैंने बनाया है ये चावल और ये कढ़ी। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से बनी है। तो कढ़ी चावल खाने का मज़ा बहुत आता है। और ये सेम की सब्ज़ी है, ये देख सकते हो आप, और ये धनिया पत्ता की चटनी। तो यही है आज का लंच हमारा, तो आप देख सकते हो। और ये कढ़ी बहुत ही बेहतरीन बनी है। आज मैंने डिनर में क्या क्या बनाया वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए पूरे वीडियो में और देखते रहिए। बहुत ही स्पेशल डिश बनाई है मैंने, मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने आज ट्राई किया और मेरे घर में सबको पसंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है। फिलहाल अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और अभी लंच का टाइम हो चुका है और अब सब लोग खा रहे हैं। अब मैं और मेरी मम्मी बची हुई हैं खाने के लिए, तो हम लोग लंच करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं और सारे वीडियो क्लिप्स। थैंक यू। ये करी जो है ना, कढ़ी, सॉरी करी नहीं, कढ़ी, दही कढ़ी, पकौड़े वाली कढ़ी, काफ़ी टेस्टी बनती है। इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो खाने में बहुत ही यमी लगती है, और चावल के साथ तो बिल्कुल, कढ़ी चावल का तो मज़ा जो होता है ना, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस होता है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत उम्दा, बहुत टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। अपनी तारीफ अपने से नहीं कर रही हूँ, बट ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो प्लीज़ आप भी घर में ज़रूर ट्राई करना इसे, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, दिल कर रहा है खाते ही जाऊँ। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस, अभी बज चुके हैं शाम के तकरीबन 7, और मैं अभी बिल्कुल फ्री थी तो सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर करना ही होता है मुझे, तो डेली रूटीन जो है मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ बिल्कुल, लेकिन वक्त नहीं मिल पाता है। और अभी मैं फ्री थी इसलिए सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 7, और डिनर की तैयारी मैंने अभी नहीं की है, अभी बस बनाऊँगी डिनर। और दोपहर का लंच तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही किया था कि मैंने क्या बनाया है आज। और अभी सुजैन गई हुई है अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में, अभी अभी उसके दोस्त उसे लेने आई थी और वो बिल्कुल रेडी होकर चली गई है, और वो डिनर करके ही आएगी रात में, तो 1-1.5 घंटे लगेंगे उसे आने में। सो अभी मैं जाती हूँ किचन में और अपनी डिनर की तैयारी करती हूँ। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोगों से। तो कैसे हो आप सब? बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ हर कुछ शेयर करना। सो मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? आपने कमेंट में बिल्कुल भी, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए। सो गाइज, अभी मम्मी उस रूम में है बैठी हुई, मेरी मम्मी जो कि मेरे साथ आई थी वो अभी मेरे साथ ही हैं, तो वो कुछ काम कर रही हो, सिलाई का कुछ काम कर रही है। मम्मियों का तो यही होता है ना कि वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ करना होता है उन्हें। सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ डिनर में मटर पनीर, क्योंकि सुजान का फेवरेट है, तो वो कई दिनों से बोल रही थी कि मुझे मटर पनीर खानी है, तो मैं अभी बनाने वाली हूँ। बट वो तो अभी रहेगी नहीं, बट वो आके ऑब्वियसली उसे खाना ही होगा, वो बिल्कुल खाएगी, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है पनीर की रेसिपी। जो भी मैं बनाती हूँ ना पनीर की, पनीर का कुछ भी हो, कोई भी आइटम हो, वो ज़रूर खाती है, उसे बहुत पसंद है। अभी बालकनी में आ चुकी हूँ क्योंकि अब ठंड का मौसम जा रहा है, अभी भी ठंड लगती है यहाँ पे। रांची का जो मौसम होता है ना वो अप्रैल तक हल्की ठंड होती है, और अभी जब तक होली ख़त्म ना हो तब तक तो ठंडी लगेगी। और मैं अभी हूँ अपने बालकनी में और यहीं से वीडियो शूट कर रही हूँ, और आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा। ये देखिए,
रोड साइड कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। हमारा घर जो है बिल्कुल रोड के साइड में है, इसलिए तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और सुजैन यहाँ से जा चुकी है अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में, मैंने बताया ही आपको। तो मैं अभी बनाऊँगी रोटियाँ और पनीर की सब्ज़ी, मुझे पनीर बनाना है मुझे, तो मैं बस उसकी तैयारी करने चली और फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से, लगता है कि ढेर सारी बातें करती हूँ बट इतना वक्त नहीं हो पाता, नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से क्लिप्स जो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो अच्छा लगता है और आप लोगों को भी पसंद आता है तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और फिर आपसे ढेर सारी बातें होंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, चेक या वापस, आप अपना भी ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू सो मच, बाय।